अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्विक और इजी भी है। जी हाँ, चिकन निहारी की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कप घी लिया है, उसमें मैं एक छोटी प्याज काट के डाल रही हूँ। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ पिंक करना है। जब हमारी प्याज अच्छी सी पिंक हो जाए, उसके बाद मैं इसमें 1 kg चिकन ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब चिकन हमारी अच्छे से भुन जाएगी, तो उसके बाद इसमें मैं 1/2 टमाटो कट करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा है टमाटर, तो आप फुल टमाटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं 1 पैकेट शान निहारी मसाले का इसमें ऐड कर रही हूँ, जो तकरीबन 60 ग्राम का आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर गल गया है। इसके छिलके हम उतार लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे, इतना कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। इसके बाद मैंने 1/2 कप चक्की आटा लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप ही बेसन ऐड किया है और इसे हम अच्छे से पानी डाल के 1 ग्लास घोल लेंगे। अच्छे तरीके से बीटर से घोल लें, या फिर आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं। उसके बाद हमने निहारी पे से जो तार है, जो इसका घी है, वो हम ऊपर से उतार लेंगे, अलहदा से रख लेंगे प्याली में। क्योंकि अगर आप घी पहले से नहीं उतार के रखेंगे, तो जब हम इसमें आटा घोल के डालेंगे, तो सारा का सारा घी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, हमने घी उतार के रख लिया है। इसके बाद हमने छन्नी से इसको आटे को डालेंगे, ताकि इसमें कोई भी अगर लम्स बचता हो, तो वो इसमें कोई भी गुठली ना आए। देखिए, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ना बहुत ज़्यादा थिक करना है हमें और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। अब इसे दम पे हल्की आंच पे हम गोश्त गलने तक पका लेंगे। उसके बाद आखिर में इसके ऊपर हम जो हमने घी उतार के रखा था, वो ऐड करेंगे। घी डालने के बाद हमें इसे पकाना नहीं है, बिल्कुल दम पे हल्की आंच पे इसे गरम करेंगे। इसके बाद मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून घी लिया है, इसमें 1/2 प्याज कट करके हम भगार के लिए फ्राई करेंगे। देखिए, हम भगार डाल रहे हैं इस पे। और सबसे आखिर में आप इसे हरी मिर्चें, अदरक और लेमन के साथ गार्निश कर लें। मजेदार चिकन निहारी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।